कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली को हम प्रारंभ करते हैं। यमाचार्य कहते हैं, परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन। स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने, परमात्मा स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं अपने आप में स्थित है, उसकी सत्ता स्वयं में विद्यमान है, इसलिए वह परमात्मा स्वयंभू है। तो उस स्वयंभू परमात्मा ने खानी अर्थात इंद्रियों को, ख इंद्रियों को बोलते हैं, इंद्रिय को बोलते हैं, ख शब्द आकाश के लिए भी आया है। तो जो हमारी इंद्रिय प्रणालिकाएं हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, क्षेत्र हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, उन इंद्रियों को परांची दूर जाने वाला, बाहर की ओर जाने वाला व्यत्रणत बनाया है। परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाला अर्थात बहिर्मुखी, बाहर की वस्तुओं का बोध कराने वाला बनाया है। और इसी कारण से तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन, प्राणी बाहर की ओर ही देखता है, नांतरात्मन अंदर स्थित आत्मा को नहीं देखता। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से बाहर ही और बाहर की ओर ही गमन कर रहा है तो ये उसका ईश्वर प्रदत्त यंत्रों का स्वभाव है, वो बाहर की ओर ही देखेगा। ईश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी ही बनाया है, इसलिए जो अपने यंत्रों के अनुसार चल रहा है, सामान्य स्थिति में चल रहा है, वो बाहर की ओर ही देखेगा। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति बाहर की ओर होती है और इस जीवन को चलाने के लिए इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाना आवश्यक भी था। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, इसलिए हम बहिर्मुखी वृत्ति वाले हैं और हमारी समस्त बहिर्मुखी वृत्ति का दोष हम परमात्मा को देने लगे, ऐसा यमाचार्य का तात्पर्य नहीं है। परमात्मा ने तो ये शरीर, ये इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बनाई हैं, ये उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। यदि हम बाहर की ओर न देख पाए, बाहर की वस्तुओं का ज्ञान न कर पाए, बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को न जान पाए तो ये हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो इस जीवन को चलाने के लिए इंद्रियों का बहिर्मुखी होना आवश्यक था, लेकिन इसके साथ साथ बाह्य विषयों के आकर्षण भी जुड़े हुए हैं और बाह्य वस्तुओं के आकर्षण ही हमको जीने की प्रेरणा देते हैं और हम जीवन के साधनों को एकत्रित करते हैं। लेकिन जब इसमें अधिक आसक्ति हो, इनका अतियोग हो, तो ये हानि करने प्रारंभ कर देते हैं। और यदि समस्त समय बहिर्मुखी ही रहा जाए तो भी ये हमें हानि पहुंचाने लगते हैं। तो यमाचार्य ने कहा कि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है और इसीलिए मनुष्य बाहर की ओर देखता है। तो अंदर की ओर कौन देखता है और कब देखता है, तो उसके लिए कहा कश्चित धीरः,
कोई ही कोई धीर व्यक्ति, धैर्यशील व्यक्ति, कोई कोई इसलिए कहा कि समाज में जितने मनुष्य रहते हैं उसमें से बहुत कम प्रतिशत व्यक्ति अंदर की ओर देखने का प्रयास करते हैं, और वो धैर्यशील व्यक्ति होना चाहिए। बिना धैर्य के व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकता। आगे कहा कश्चित धीरः, कोई ही धीर व्यक्ति होता है जो प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, प्रत्येक में स्थित आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को, प्रति व्यक्तिगत आत्मा को अर्थात परमात्मा को ऐक्षत देखता है अर्थात जानता है। कोई ही धीर व्यक्ति परमात्मा को जान पाता है। वो कब जान पाता है? कहा आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। वो धीर व्यक्ति आवृत्त चक्षु होता है, अपने नेत्रों को बंद करता है, ढकता है। यह नेत्र समस्त ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं। वो व्यक्ति, वो धीर व्यक्ति अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को रोकता है, उन पर आवरण लाता है, उनको बाहर के विषयों के संपर्क से हटाता है। कश्चित् धीरः, प्रत्येक आत्मानम् ऐक्षत् आवृत्त चक्षु। और ये कब कर पाता है, क्यों कर पाता है? अमृतत्वम् इच्छन्, अमृतत्व की इच्छा करता हुआ वो ऐसा कर पाता है। मुक्ति की इच्छा करता हुआ, परमात्मा के आनंद की इच्छा करता हुआ वो ऐसा कर पाता है। संसार में व्यक्ति क्यों बहिर्मुखी है और क्यों अंतर्मुखी है, उसका एक मुख्य कारण है कि जिसने अमृतत्व को समझ लिया है, अमृतत्व के महत्व को समझ लिया है, मुक्ति के महत्व को, परमात्मा के आनंद को समझ लिया है, और समझने के बाद अब उसको चाह रहा है, उसकी इच्छा कर रहा है, तो ऐसा करता हुआ व्यक्ति ही बाहर के विषयों से अपने को रोक पाएगा। बाहर के विषयों को रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने नेत्रों को बंद कर लेगा। ऋषि का तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति को कोई ऊंचा लक्ष्य, ऊंची लाभदायक वस्तु दिखाई नहीं देगी, तब तक वो कम लाभदायक वस्तु को नहीं छोड़ पाएगा। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है और इससे हमें बहुत लाभ, बहुत सुख भी होता है, इसलिए ये हमें हितकारी दिखाई देता है कि इंद्रियों के माध्यम से संसार को जाने और उसका उपयोग लें। जब इतना लाभ हमें इंद्रियों के बहिर्मुखी होने से दिखाई दे रहा है तो हम क्यों नहीं बहिर्मुखी रहेंगे? जैसे ही हम अपने कान बंद कर दें, नेत्र बंद कर दें, तो हमारे कार्य ठप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। हमें सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, लाभ रुकता हुआ प्रतीत होता है, तो क्यों नहीं हम उसका उपयोग करेंगे? उसमें लाभ दिखाई दे रहा है इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं, प्रत्येक मनुष्य करता है। तो जब तक उससे बड़ा लाभ व्यक्ति को दिखाई ना दे जाए और इस बात का बोध ना हो जाए कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण, इस छोटे लाभ के पीछे भागने के कारण मेरा बड़ा लाभ छूट रहा है, मुक्ति की प्राप्ति छूट रही है, तब तक वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को रोकेगा नहीं। यदि बड़े लाभ का निश्चय हो जाए तो अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को, इंद्रियों को व्यक्ति अवश्य रोकेगा, रोकने का प्रयास प्रारंभ कर देगा। इसलिए ऋषि ने कहा कश्चित् धीरः, प्रत्येक आत्मानम् ऐक्षत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्।
ये अमृतत्व की इच्छा मन में पूरी तरह समझ में आ जाए, पूरी तरह बैठ जाए, ये इतना आसान नहीं होता। हमने सैकड़ों बार सुना है, पढ़ा है कि अमृतत्व की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति में परम आनंद होता है, उससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। वेद, उपनिषद, बड़े बड़े शास्त्र इस बात को कह रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बात को कह गए, लेकिन फिर भी इसका पूरा विश्वास होना आसान नहीं है। और हम भले ही इस बात को कहते रहें कि हम मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, उसी के लिए यत्न कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से अपने को देखेंगे तो मुक्ति प्राप्ति के लिए तीव्र लगन, उसी की उत्कट इच्छा, वही एक लक्ष्य हो, ऐसा हम अपने अंदर बहुत कम पाएंगे। वर्षों के अध्ययन, मनन, चिंतन के बाद में सांसारिक विषयों को भोग भोग करके निकाले गए निष्कर्ष के बाद में व्यक्ति यदि ये निश्चय कर पाए कि अमृतत्व की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति ही प्राणी मात्र का, प्रत्येक आत्मा का अंतिम और मुख्य लक्ष्य है, तो उसकी आंखें स्वतः बंद होने लगेंगी, उस ओर से निवृत्त होने लगेगा। बड़े लाभ का निश्चय हो जाए तो निश्चित रूप से छोटे लाभ को आत्मा छोड़ देगा। लेकिन हमको अनेक बार परमात्मा के अस्तित्व तक में अविश्वास हो जाता है, पता नहीं परमात्मा है या नहीं, पता नहीं मुक्ति की नाम की चीज है या नहीं, और यही संशय हमें इस मार्ग पर प्रवृत्त होने से, तेजी से बढ़ने से रोकता है, रोकता रहता है। तो यमाचार्य ने इसी बात की ओर संकेत किया, यदि हम किसी तरह प्रयास करके इसी प्रयास में पहले लग जाएं कि अमृतत्व की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाए, मुमुक्षुत्व पैदा हो जाए, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाए, तो इंद्रियों को रोकना तो सहज होगा, इंद्रियों को वो व्यक्ति रोक ही लेगा। और यहां जिस आवृत्त चक्षु की बात यहां कही गई, ये योग दर्शन की दृष्टि से प्रत्याहार का निर्देश है। जो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखता है उसको ये भी साथ में बोध होता है कि जब तक इंद्रियों को मैं बहिर्मुखी रखूंगा तब तक एकाग्र नहीं हो पाऊंगा। और अंदर का जो बोध होना है, अंदर का जो ज्ञान होना है, वो हो नहीं पाएगा। यदि तालाब के अंदर बार बार पत्थर कंकड़ डाले जाएं तो उसमें बड़ी बड़ी तरंगें उठेंगी, और उस स्थिति में शांत तरंगों को व्यक्ति नहीं जान पाएगा, ऐसा लगेगा जैसे शांत तरंगें तो हैं ही नहीं। लेकिन यदि बाहर के पत्थर, बड़े बड़े पत्थर को मारना बंद करे, पानी में डालना बंद करे, तो फिर जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनका व्यक्ति को बोध होगा, अंदर की सूक्ष्म बातों का बोध होगा। यमाचार्य संसार को, संसार के मनुष्यों को दो भागों में बांटते हुए अगले श्लोक के अंदर कहते हैं कि पराच कामान अनुयंति बालाः, कि यद्यपि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है तो जो इसी के अनुसार चल रहा है, पराच कामान अनुयंति बालाः, बालाः जो बच्चे हैं, जो नासमझ हैं, बड़े बूढ़े आयु से सभी इसके अंदर आ गए, जिनकी समझ अभी इस क्षेत्र की पूरी नहीं है, वो बच्चे लोग, वो बाल
पराचह कामान अनुयंती, इन बाह्य कामनाओं के पीछे पीछे गमन करते हैं, बाह्य कामनाओं के पीछे पीछे चलते रहते हैं, बाह्य विषयों को प्राप्त करने के लिए ही प्रवृत्त होते रहते हैं। ये बच्चों की गति है, अथवा यूं कहें कि जो संसार के विषयों की ओर ही दौड़ रहे हैं वो अभी बच्चे हैं, अध्यात्म की दृष्टि से बच्चे हैं, ना समझ हैं। और उनकी परिणति क्या होती है, तो कहा ते मृत्यो हो यंती विततस्य पाशम, ते मृत्यो हो ते विततस्य मृत्यो हो पाशम यंती, वे लोग वे बच्चे लोग विततस्य फैले हुए मृत्यो हो मृत्यु के फैले हुए परम विस्तृत पाशम यंती पाश को प्राप्त करते हैं, सब जगह फैले हुए मृत्यु के पाश में फंसते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इस जन्म में उसके बाद के जन्म में सतत मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं, वो मृत्यु के पाश में फंसे रहते हैं, इस मृत्यु के पाश से वो पृथक नहीं हो पाते। अर्थात विषयों की तरफ प्रवृत्त होना, उसी ओर बढ़ते रहना, उसी को अपना लक्ष्य बना लेना, ये मृत्यु के पाश में फंसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जन्म मरण का चक्र, मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो मनुष्यों का एक वर्ग तो वो बच्चों का वर्ग है जो संसार के विषयों की ओर ही बढ़ता है और मृत्यु के पाश में फंसता है, और दूसरा वर्ग है जिसको यमाचार्य बार बार धीर शब्द से बोल रहे हैं, जो धैर्यवान है। तो कहा अत धीरा, वो धीर लोग क्या करते हैं, अमृतत्वम विदित्वा, अमृतत्व को जान करके, मुक्ति को जान करके, मुक्ति की जानकारी अच्छी तरह करके, मुक्ति को ठीक प्रकार समझ करके, ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते, यह इस संसार में इस लोक में अध्रुवेशु ध्रुवम न प्रार्थयन्ते, इस अध्रुव संसार में अस्थिर संसार में क्षणिक संसार में ध्रुवम न प्रार्थयन्ते, उस नित्य सुख को अमृतत्व को पाने की इच्छा भी नहीं करते। प्रत्येक प्राणी नित्य सुख को पाना चाहता है, भले ही वो संसार की तरफ दौड़ रहा हो, भले ही परमात्मा की तरफ दौड़ रहा हो। आत्मा तो नित्य सुख को ही चाहता है, स्थिर सुख को ही चाहता है, उच्च सुख को ही चाहता है, सर्वोत्कृष्ट सुख को ही चाहता है। लेकिन अंतर यही है कि सांसारिक व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति संसार के पदार्थों में, इंद्रियों के माध्यम से उस सुख को पाना चाहता है, और ये धीर व्यक्ति इस अध्रुव संसार में उस ध्रुव सुख को, नित्य सुख को नहीं चाहता, उसकी प्रार्थना यहां नहीं करता। उसको इस बात का बोध होता है कि यहां संसार में वो सुख नहीं मिल सकता जिसको मैं पाना चाहता हूं, और तब जाके वो अपने चक्षुओं को, अपनी इंद्रियों को रोकता है और परमात्मा को पाने की इच्छा करता हुआ उसके बोध को प्राप्त करता है।